थ्री ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी एन माइनस टू हर्ट्ज एन हर्ट्ज एन प्लस टू हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर, फाइंड आउट द बीट फ्रीक्वेंसी। अब देखो, पहले मैं एन माइनस टू को और एन को साउंड कर रहा हूँ तो मुझे दो बीट मिल रहे हैं। व्हाट आई कैन से, वन टू डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू। अब मैं एन माइनस टू को और एन प्लस टू को साउंड कर रहा हूँ तो मुझे फोर बीट्स मिल रहे हैं, यानी वन टू थ्री फोर, और मैं इसको फोर से डिवाइड कर दूँ लाइक दिस। तो रिड्यूस कर लो यहीं पे इसको, ये तो हो गया आपका वन वन बाई फोर, ये हो गया आपका वन बाई टू, और ये आपका कितना हो गया वन। अब मैं कर रहा हूँ एन एंड एन प्लस टू को साउंड कर रहा हूँ, तो अगेन आई विल गेट द टू बीट्स, ये तो ऊपर बनी गई टू बीट्स, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर दीज आर द टू बीट्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बीट फ्रिक्वेंसी। तो अब हम काउंट करते हैं, आई विल से इट इज, देखो ये तो दोनों सेम हो गए, इसी तरह से अगर आप ध्यान दो तो ये भी दोनों सेम हो गई। तो नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी हम काउंट करेंगे, वी विल से इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फोर।